अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है लोगों को खुश करो। सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों को खुश करने में लोग लगा देते हैं, और फिर भी जो है वो लोग खुश नहीं होते, क्योंकि लोगों का काम शायद ये होता ही नहीं है कि वो खुश हो। और वो क्यों ऐसा करते हैं, आई डोंट थिंक कि इसमें जो है वो उनको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो सारी ज़िंदगी लगा देते हैं लोगों को जस्ट और जस्ट दूसरों को खुश करने में, और फिर भी वो खुश नहीं होते और वो सेटिस्फाई आपसे नहीं होते। तो फिर हम ऐसी कोशिशें क्यों करते हैं जिसमें हमें पता है कि हमें एंड पे नाकामी ही मिलती है और या मिलनी है? तो फिर हमें ऐसी कोशिशें करने का क्या फ़ायदा? ऑल्दो कोशिश करने की करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर काम ना बन रहा हो तो फिर आपको पीछे भी हट जाना चाहिए। और जैसे कि मैं अगर जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ना, उसका मकसद भी यही है कि मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया, रिसेंट मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये गुजरी है कि लोग जो है ना वो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो दूसरा जो है वो उससे खुश नहीं होता। और मैं इसकी जो कॉमन एग्जांपल लूँगी ना, मैं इसकी कॉमन एग्जांपल लूँगी जो ज़्यादातर मैरिड लाइफ के बाद की जो लाइफ है उसकी मैं एग्जांपल लूँगी। जैसे कि अगर अरेंज मैरिज है, चाहे वो लव मैरिज है, लेकिन वो जस्ट एक मैरिज रह जाती है, जब वो शादी हो जाती है ना, फिर उसके बाद वो जस्ट एक मैरिज हो जाती है। और फिर जो है ना, उसमें ख़ास तौर पर मैंने ये चीज़ देखी है कि जो वुमेन साइड है ना, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। और अगर उसका जो है वो मियाँ अच्छा नहीं है ना, तो फिर उसको जो है वो और ज़्यादा मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती हैं जो शायद उसने कभी सोची भी नहीं होती, और उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। और इसी चीज़ को मैं लेके चलूँगी आगे इसी वीडियो में कि लोगों को खुश करने से मुराद यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि ख़ास तौर पे जो मैं कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रही हूँ, एक शादी के अंदर एक औरत जो होती है वो कितने कॉम्प्रोमाइज़ करती है, वो दूसरों को खुश करने में लगी रहती है साथ, और तकरीबन पूरी ज़िंदगी कोशिशें करती रहती है, लेकिन फिर भी जो है वो उस लेवल तक शायद खुश नहीं कर पाती दूसरों को जो वो करना चाह रही होती है। क्योंकि उसने जो है वो अगर तो वो दूसरों से उम्मीदें बांध लेती है एक फैमिली के अंदर कि मैं इतनी ज़्यादा एफर्ट लगा रही हूँ और दूसरे थोड़ी सी जो है वो एफर्ट करें, तो वैसा नहीं होता। क्योंकि अगर आप उम्मीदें बांध लेंगे ना, तो फिर जो है वो काम ख़राब ही हो सकता है और अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि आप जो है ना, जब आप किसी के साथ अच्छा करने का ठान लें तो फिर आप अच्छा कर दें, और उसके बदले में आप उनसे अच्छाई की उम्मीद ना रखें। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आप नहीं अच्छा होना है, दूसरों से अच्छाई की तवक्को आपको कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरे जो होते हैं वो आपके साथ कम ही अच्छे से पेश आते हैं, ख़ास तौर पे लाइफ की इस फील्ड में। और वो कौन सी फील्ड है? मैरिज फील्ड में, ठीक है जी। और मैं इसीलिए, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि अगर कोई भी इंसान है, जैसे मैं हूँ, और मैं जो हूँ वो लोगों को खुश करने में लगी रहती हूँ, मुझे सारा दिन जो है वो कोई और काम नहीं है, कोई आ गया है, जैसे कि आपका रिलेटिव है या कोई आपका नेबर है वो आ गया है, और मैं उसी से बातें करी जा रही हूँ, उसकी हाँ में हाँ मिला रही हूँ, चाहे वो गलत बात भी कर रहे हैं, जैसा कि अक्सर औरतों की जो है वो आदत होती है, और इधर की उधर उधर की इधर गॉसिप्स लगाना और चुगलियाँ करना और इस तरह से, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो वो भी इसी चीज़ में आ जाता है कि हम दूसरों को खुश करने में जो है वो उसकी चुगली में उसका साथ दे रहे हैं, दूसरों की बुराइयाँ कर रहे हैं, और हम भी जो है उसमें बराबर के शरीक हो रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो ये दूसरों को खुश करना ही तो हो गया, और हम ऐसी चीज़ क्यों करें जो चीज़ हमें सेटिस्फाई नहीं करती? और हम जो है वो कोई चीज़ अगर सही कर सकते हैं तो हमें वही करते रहना चाहिए, और दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं करता तो हम भी वैसा क्यों करें। क्योंकि अगर सारे चुगलियाँ कर रहे हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हम भी चुगलियाँ जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि और या सारे जो है वो अच्छे से बिहेव नहीं करते तो हम भी बुरा बिहेव करना स्टार्ट कर दें। ये किसी भी जो है वो चीज़ का हल नहीं होता, और ना ही आपकी इन चीज़ों से लोग खुश होते हैं। वो जस्ट और जस्ट आपके आपके साथ जो है वो मिलके इस तरह की हरकतें तो कर लेंगे,
चुगलियाँ भी कर लेंगे, दूसरों की बुराइयाँ भी कर लेंगे, सारा कुछ इस तरह से जो है वो बैठ के गप्पे भी लड़ा लेंगे, लेकिन बाद में जो है वो आपको भूल जाएंगे, और वो जो आपके साथ किसी की बुराई कर रहा है वो आपकी बुराई भी किसी दूसरे के साथ जाके कर सकता है, क्योंकि उसके लिए तो आसान चीज़ है ये। और तो आप अगर सारा टाइम जो है वो दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे, तो आपका जो अपना पैशन है उसको अगर आपने फॉलो करना है, तो फिर वो फॉलो करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो वही तो बात है कि हमने टाइम ही तो वेस्ट नहीं करना, हमने जो है वो दूसरों को खुश करने में नहीं लगे रहना, जो हमारा अपना पैशन है, जो हमारा अपना पर्पस है, अपना गोल है, उसको पूरा करने के लिए भी हमने कोशिशें करनी है। ऑल्दो आप सबके साथ अच्छा बिहेव रखें, ग्रीटिंग्स करें सबके साथ, जैसे आप मिलते हैं अच्छे से मिलें, अच्छे से बात करें, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही रूड हो जाएं या किसी से बात ही ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। आप सबसे बात करें, पोलाइटली बात करें, और हर एक की बात सुने भी, लेकिन हाँ, किसी की बुराई किसी दूसरे के साथ मत करें। और ये जो चीज़ है वो एक एजुकेटेड इंसान को ख़ास तौर पे जो है वो सूट बिल्कुल भी नहीं करती, और अगर अनएजुकेटेड जो औरतें होती हैं ना, उनका तो ख़ास तौर पे काम ही होता है कि उनको बड़ी बातें आती होती हैं, और उनकी बातें जो है वो इधर से उधर, चाहे वो पूरे मोहल्ले में भी कर लें, उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। और मैंने ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की है कि जो एजुकेटेड वुमेन होती है ना, और जो अनएजुकेटेड वुमेन होती है, उनमें फ़र्क होता है, उनमें इस चीज़ का फ़र्क होता है कि वो चुगलियाँ करना ही जो है अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बना लेती, बल्कि अपनी लाइफ का वो एक स्पेसिफिक पर्पस रखती हैं, अपना गोल सेट करती हैं, और उसको अचीव करने के लिए कोशिशें करती हैं। और डिफ़िकल्टीज आती हैं, हर एक इंसान की लाइफ में आती हैं, मेरी लाइफ में भी आती हैं, आपकी लाइफ में भी आती होंगी, और ज़रूर आती होंगी। और उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते करते हमने जस्ट अपना जो गोल सेट किया हुआ है उसकी तरफ मूव करते रहना है, तो एक दिन जो है वो सक्सेस हमें ज़रूर मिलेगी। और वो क्या कहते हैं ना, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो हमें भी इसी उम्मीद के साथ कोशिश जारी रखनी चाहिए कि हमें भी कामयाबी जो है वो ज़रूर मिलेगी। और फिर जब आप इस उम्मीद के साथ अपने पैशन को फॉलो करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो फिर जो है वो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। और लोगों को खुश करने की अगर अगर आप कोशिशें करते हैं, तो फिर ये कोशिश जो है वो बेकार है, क्योंकि सारे आपसे कभी भी जो है वो खुश नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं कॉमन एग्जाम्पल लूँ कि अगर एक कमरा है उसमें 10 बंदे बैठे हैं, और जो है ना, यानी कि मेरी मेरी 10 सहेलियाँ हैं, ठीक है, और मैं उन 10 की 10 की जो है, मैं अगर एक क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे कोई 90 स्टूडेंट्स हैं, और या फिर नहीं, 90 स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, चले 90 स्टूडेंट, हमने तो एग्जाम्पल ही लेनी है ना, तो चाहे हम 90 कर लें, 100 कर लें, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन उन 100 के 100 की या 90 के 90 की मैं फेवरेट नहीं हो सकती, क्योंकि मुझ में अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं और बुरी क्वालिटीज़ भी हैं, बुरी जो है वो चीज़ें भी मतलब होंगी, हैबिट्स होंगी, और क्योंकि सबके हम फेवरेट कभी भी नहीं हो सकते, और सबको खुश भी हम कभी भी नहीं कर सकते, 100% कोई भी हमसे खुश हो ही नहीं सकता। और मैं हो सकता है 10% की जो है वो फेवरेट टीचर होंगी, लेकिन बाकी की जो है वो फेवरेट टीचर ना हो, शायद उनको मेरी बातें अच्छी ना लगती हो, शायद कोई बात मेरी ऐसी हो जो उनको बुरी लगती हो, और हाँ, लेकिन मैं उनसे फीडबैक ज़रूर लूँगी इस बारे में कि आपको मेरी कौन सी आदतें जो है वो अच्छी लगती हैं, और कौन सी जो है वो ऐसी चीज़ मेरे लेक्चर में आपको बुरी लगती है, जो अगर मैं ठीक कर लूँ तो आपको मेरे बिल्कुल ही जो है वो अच्छे लगने लग जाएंगे लेक्चर, तो फिर जो है वो मैं उस पर काम करूँगी। और हो सकता है कि वो जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे अच्छा जो है वो कंसिडर करने लग जाएँ, लेकिन बात जो है वो मेरी अपनी पर्सनैलिटी पे अगर आ जाएगी, तो उसके बारे में मैं फीडबैक ले सकती हूँ, और लेकिन अगर मेरा टीचिंग मेथड है तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि अगर मेरा टीचिंग मेथड जो है वो अच्छा हो जाएगा, जो कि मेन मकसद भी है टीचिंग का, अगर वो अच्छा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर स्टूडेंट्स को टीचर जो है वो खुद ही अच्छा लगने लग जाता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में आती हैं कि आपके जो है वो पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। अक्सर हमसे भी टीचर्स ये पूछा करते थे कि आपको मेरी करेक्टर में कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी लगती है और कौन सी जो है वो बुरी लगती है, और हम उनको बताया भी करते थे कि ये चीज़ जो है वो अच्छी लगती है, और कुछ को और मुझसे कभी को पूछती थी, खास तौर पे टीचर्स, तो सारी क्लास अगर वो फीडबैक ले रही हैं, मुझसे पूछा जाता था, तो मैं तो यही कहती थी कि नहीं, सब कुछ अच्छा है ना, तो फिर टीचर्स कहते, अच्छा, कोई डेंटिंग पेंडिंग की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन किसी की खामियां गिनवाना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। लेकिन लड़कियां बताती भी थी कि टीचर आप थोड़ा सा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, आप जो है वो थोड़ा सा इस तरह से पढ़ा लिया करें, थोड़ा सा इस तरह से जो है वो हमसे बात कर लिया करें, आप जो है वो थोड़ा सा इस तरह से कर लिया करें। लेकिन अब मुझ पर जब बात आती थी, जब मुझसे फीडबैक दिया जाता था, तो मैं ये कहती थी कि नहीं, मेरे लिए ठीक है सब कुछ, और ऑल्दो हमें फीडबैक देना चाहिए अगर हमें कोई बुरी बात लगती है,
लेकिन अगर मैं नहीं दे रही थी तो वो किसी की अपनी मर्जी है, कोई बताए या ना बताए। लेकिन हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि लोगों को, हाँ, और ये शायद टीचर्स इसीलिए फीडबैक लेती थी हमसे कि आपको हमारे अंदर कौन सी आदत जो है वो बात बुरी लगती है, कि वो हमारी जो है वो फेवरेट बनना चाहती थी और हम उनको बताते भी थे, और शायद वो हमें खुश करना चाहती थी। और हम तो वैसे खुश थे, जो टीचर वैसे हमें बहुत अच्छा पढ़ाती, वो हमें अभी तक नहीं भूली और हम भी उन्हें नहीं भूले। और यही बातें हैं और यही जो है वो चीज़ें हैं कि हम सबको जो है 100% तो खुश कर नहीं सकते, तो जितना हम कर सकते हैं हम सिर्फ वही करें तो ज़्यादा बेटर है। और खुद जो है वो एफर्ट करते रहें और दूसरों से जो है वो एफर्ट की अगर उम्मीद ना लगाएंगे तो हम ज़्यादा जो है वो खुश रह सकेंगे, और मेरा ये मानना है। और आप भी मुझे जो है, अगर आपको कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उससे भी बात कर लेंगे, और मुझे बात करके जो है वो आपके बताए हुए टॉपिक पर बहुत खुशी होगी। और अब हम अपने नेक्स्ट जो है वो वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।